Hey everyone and welcome to Boldly Exposed, your ultimate source for the glitz, glamour and secrets straight from the heart of B-Town. आज हमारी कहानी है ससुराल सिमर के और बिग बॉस फेम दीपिका कक्कर के बारे में. आखिर क्यों दीपिका ने कहा एक्टिंग को अलविदा. सो ग्रैब योर पॉपकॉर्न, गेट कम्फी एंड प्रिपेयर फॉर ए कैप्टिवेटिंग एक्सपीरियंस. दीपिका कक्कर ने हाल ही में एक इंटरव्यू दिया, उसके बाद से उनके एक्टिंग क्विट करने की बहुत सी क्लिप्स वायरल हो रही है. सो डोंट गेट कन्फ्यूज बाय दीज क्लिप्स, क्योंकि हम आपको बताएंगे उस इंटरव्यू का पूरा सच. ये इंटरव्यू दीपिका ने टीवी टाइम्स को दिया था. उसमें उन्होंने बताया कि कैसा चल रहा है उनका प्रेगनेंसी फेज और कैसे करते हैं शोएब उनके मूड स्विंग्स को हैंडल. उन्होंने बताया कि मैं शोएब से बहुत लड़ाई करती हूँ, पर वो मेरे पिलर ऑफ स्ट्रेंथ है और मेरे मूड स्विंग्स और गुस्से को बहुत ही अच्छे से हैंडल करते हैं. उसी के साथ दीपिका ने बताया कि वो पिछले 15 साल से काम कर रही है और अब वो अपने मदरहुड को इन्जॉय करना चाहती है, पूरा वक्त अपने फैमिली और होने वाले बच्चे को देना चाहती है, क्योंकि वो बहुत सालों से काम कर रही है और अब वो थक गई है, वो कुछ टाइम का ब्रेक लेना चाहती है. जी हाँ, दीपिका नहीं कर रही है एक्टिंग को क्विट, बस कुछ समय का ब्रेक लेना चाहती है. जैसे ही उन्हें कोई अच्छा प्रोजेक्ट मिलेगा वो फिर से अपने काम को रिज्यूम करेगी. दीपिका ने बहुत से फेमस सीरियल्स जैसे कलर्स का, ससुराल सिमर का और स्टार प्लस का कहाँ तुम कहाँ हम और कुछ रियलिटी शोज़ भी किए हैं जैसे कि बिग बॉस, और वो अपने सीजन की विनर भी रही. ये था आपके लिए बोली एक्सपोज का लेटेस्ट अपडेट. अब हमें तो लगता है काम करना या ना करना एक औरत की पर्सनल चॉइस है, बट इस बारे में आप क्या सोचते हैं हमें कॉमेंट्स में ज़रूर बताइए. एंड डोंट फॉरगेट टू सब्सक्राइब अवर चैनल. वी विल बी बैक विथ मोर स्पाइसी अपडेट्स. टिल देन स्टे फिल्मी, स्टे एंटरटेन्ड.